बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबले के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान किया था तो उसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल था। लेकिन अब विराट कोहली ने पहले दोनों टेस्ट मैच से पर्सनल रीजन का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लिया तो टीम मैनेजमेंट के सामने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। 22 जनवरी को ही बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए बता दिया था कि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। विराट कोहली के बाहर होने से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने कौन उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसी को लेकर टीम मैनेजमेंट को नए सिरे से माथापच्ची करनी पड़ रही है। बीसीसीआई ने सिर्फ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया है तो ऐसे में आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए विराट कोहली की वापसी हो सकती है। विराट कोहली को बाहर होने के बाद पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कैसी हो सकती है प्लेइंग 11, चलिए वीडियो में आगे दिखाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली के नहीं रहने से क्या पहले 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया को नुकसान सहना पड़ेगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, विराट कोहली के बाहर होने के बाद चौथे नंबर पर अब श्रेयस अय्यर या केएल राहुल में से किन्हीं एक को बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, ये तो करीब करीब तय है। तो वही पिछले कुछ सीरीज से तीसरे नंबर की जिम्मेदारी शुभमन गिल संभाल रहे हैं। अब बात अगर चौथे नंबर की करें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर या केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है। अगर कोहली टीम में रहते तो हो सकता है कि केएल राहुल बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभालते। लेकिन अब कोहली के जाने के बाद हो सकता है कि केएस भरत प्लेइंग 11 का हिस्सा हो और विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभाले। भरत ने हाल ही में इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ खेले गए मैच में 1 शतक के साथ साथ 1 अर्धशतक भी लगाया है, तो ऐसे में उन्हें छठे नंबर के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन नो डाउट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जबकि तीसरे स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से किसी एक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। जबकि तेज आक्रमण की बात करें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे। अगर ऐसी प्लेइंग 11 हुई जिसमें 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज हो तो इसमें टीम इंडिया के तीनों स्पिनर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वहीं जसप्रीत बुमराह भी बल्लेबाजी करना अच्छे से जानते हैं। यानी कि टीम इंडिया के पास 10वें नंबर तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी होंगे, तो ऐसे में टीम इंडिया से इंग्लैंड को पार पाना आसान नहीं होने वाला है। इस प्लेइंग 11 के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।